उत्तर प्रदेश के गोंडा में रविवार शाम को आई आंधी से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं आकाशीय बिजली के चपेट में आकर दो किसानों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं आंधी के चलते अलाव से फैली आग से छप्पर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से तीन मवेशी झुलस गए। मौसम विभाग ने पानी बरसने की और आंधी चलने और उस दौरान मौसम और खराब होने और शीतलहर की संभावना व्यक्त की है, जिसके सापेक्ष राहत आयुक्त और शासन के जो नियम हैं उसके तहत अलाव जलने की और निराश्रितों को आश्रय देने की बात पहले से ही चल रही है। इस दिशा में विशेष प्रयास किया जा रहा है कि अगर कहीं गलती से या मतलब दैवीय आपदा से क्या आती है कि किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई उसकी चपेट में आता है तो उसको फौरी राहत जितनी जल्दी से जल्दी हम पहुंचा सकें उसके लिए सभी को सतर्क कर दिया गया। कहीं भी कोई सूचना प्राप्त होने पर SDM तहसीलदार मौके पर पहुंचे और लोगों को उसकी जो अनुमन्य सहायता है वो तत्काल उपलब्ध कराएं।